हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपको जो रेमेडीज़ बताऊंगी फ्रेंड्स वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी चाहे फ्रेंड्स आप गर्ल्स हो या बॉयज़ हो या फिर बच्चे हो या बूढ़े हो फ्रेंड्स इस रेमेडीज़ का हर कोई यूज़ कर सकता है क्योंकि फ्रेंड्स सर्दियों के मौसम में हर किसी की स्किन फट जाती है चाहे वो चेहरे की हो हाथों की हो पैरों की हो या फिर आपकी फटी एरिया ही क्यों ना हो फ्रेंड्स सभी चाहते हैं कि उनकी स्किन ना फटे और सर्दियों में उनके चेहरे पर चमक बनी रहे और उनकी चेहरे का रंग तेजी से गोरा होता चला जाए क्योंकि सर्दियों में हमारी स्किन सावली होती रहती है और फ्रेंड्स जब हमारे चेहरे पर सावली परत चढ़ जाती है हमारा चेहरा फटना शुरू हो जाता है चाहे फ्रेंड्स हमारे हाथ पैर ही क्यों ना हो फ्रेंड्स जब इन पे एक सावली परत चढ़ जाती है तो ये फट जाती है हमारे शरीर पर जो मैल इकट्ठा हो जाता है वो हमारी स्किन को फाड़ देता है जिससे कि हमारी त्वचा का रंग काला होकर उसमें काले रंग का मैल जमा हो जाता है अगर फ्रेंड्स आपकी स्किन फट गई है और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पहले की तरह हो जाए एकदम मुलायम सॉफ्ट और बच्चे की तरह नाजुक तो आप एक बार इस रेमेडीज़ का यूज़ करके देखिएगा इस रेमेडीज़ को बनाने के लिए आज मैं यहाँ पर तीन चीज़ों का यूज़ करूँगी सबसे पहले आपको लेनी होगी वैसलिन वैसलिन फ्रेंड्स हमारे फटेपन को दूर करके हमारी स्किन को एकदम सॉफ्ट और मुलायम बना देती है तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको वैसलिन आधे चम्मच के लगभग लेनी होगी इस तरह से फ्रेंड्स आप वैसलिन को ले लीजिएगा इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको इसमें सेकेंड चीज ऐड करनी होगी वो है फ्रेंड्स मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैं फ्रेंड्स यहाँ पे जॉय कंपनी की क्रीम को ले रही हूँ आपको फ्रेंड्स इसमें आधे चम्मच के लगभग क्रीम को ऐड करना होगा इस तरह से फ्रेंड्स आप आधे चम्मच के लगभग क्रीम को इसमें ऐड कर दीजिएगा इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको इसमें ऐड करने होंगे विटामिन ई कैप्सूल आपको फ्रेंड्स इबॉन कंपनी के 400 हंड्रेड के एक कैप्सूल इसमें ऐड करना होगा फ्रेंड्स अगर आपकी फटी एरिया ज्यादा फट गई हैं तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा इस तरह से फ्रेंड्स आप इसमें एक कैप्सूल को ऐड कर दीजिएगा कैप्सूल को ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आप इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा अब देखिए फ्रेंड्स ये अच्छे से तैयार हो चुका है और एक वाइट पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड्स आपको इसका यूज रात के समय करना होगा यानी कि सोने से पहले इसका यूज़ करने से पहले फ्रेंड्स आपको अपने चेहरे पर हाथों पैरों पर या अपनी फटी एड़ियों पर जहाँ पर भी आप इस मिक्सचर को लगाना चाहते हैं वहाँ पर फ्रेंड्स उसे फ्रेंड्स गुनगुने पानी से अच्छे से धो लेना होगा फ्रेंड्स गुनगुने पानी से अच्छे से वॉश करने के बाद आप अपने हाथों या पैरों को जहाँ पर भी से लगा रहे उसे अच्छे से पोंछ लीजिए जब फ्रेंड्स आपके हाथ पैर सूख जाएंगे तो आप इस मिक्सचर को अपने फटी एरिया वाली जगह पर लगाइएगा ऐसा करने से फ्रेंड्स ये आपकी स्किन के अंदर अच्छे से समा जाएगा और जल्दी से कार्य शुरू कर देगा तो फ्रेंड्स आप इसका लगातार यूज़ कीजिए अगर आपकी स्किन ज़्यादा फट गई है तो लगातार एक वीक तक इसका यूज़ कीजिएगा अगर आपकी स्किन कम फटी है तो फ्रेंड्स आप दो से तीन दिन भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो फ्रेंड्स इसका रोजाना भी यूज़ कर सकते हैं ये आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा इसका यूज़ करने से आपकी स्किन पर बिल्कुल भी रूखापन नहीं आएगा और आपकी स्किन को नई जान भी मिलेगी फ्रेंड्स ये आपके बॉडी पार्ट को एकदम सॉफ्ट और मुलायम बना कर रखेगा और फ्रेंड्स ये आपके बॉडी पार्ट के रंग को भी काले पड़ने से रोकेगा तो फ्रेंड्स आप इसका यूज़ करके अपने बॉडी के फटेपन से छुटकारा पा सकते हैं तो आप इसका यूज़ कीजिए और फ्रेंड्स इसके फ़ायदे के बारे में मुझे बताइएगा तो ये थी आज की मेरी रेमेडीज आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें धन्यवाद